8 राज्यों केंद्र शासित राज्यों के 49 सीटों पर मतदान होना है। ठीक अब से थोड़ी देर बाद ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे, 49 सीटों पर पांचवें चरण में आज मतदान होना है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लोकसभा चुनाव का आज 5वां चरण है। 49 सीटों पर 695 उम्मीदवारों की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो रही है। 49 सांसद चुने जाएंगे लेकिन उम्मीदवार देखिए 695 हैं, 695 हैं और कई सियासी दिग्गजों की किस्मत आज जनता जो है ईवीएम में कैद करेगी। राजनाथ सिंह हैं, देखिए रोहिणी आचार्य हैं, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी से लेकर पीयूष गोयल से लेकर तमाम लोग जो हैं आज अपनी किस्मत आजमाएंगे और जनता जो है लगभग 9 करोड़ जनता जो है वो आज वोट करेगी, अपने नेता को चुनेगी, अपने सांसद को चुनेगी। 5वां चरण, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सियासी दिग्गजों का आज फैसला होना, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है क्योंकि अभी से ठीक थोड़ी देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 7 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सियासी दिग्गज आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और किनको आज जनता चुनेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा लेकिन आज ईवीएम में इनकी किस्मत बंद हो जाएगी। 695 उम्मीदवार, जी हाँ, 1-2 नहीं 49 सीटों के लिए, देखिए 695 उम्मीदवार और कहां कहां चुनाव हो रहे हैं आप समझिए, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, और उड़ीसा की सबसे खास बात कि वहां विधानसभा चुनाव की जो बाकी सीटें हैं वहां भी आज मतदान हो रहा है। तो तमाम जो तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई हैं, 4 चरण जैसे कि बीत चुके हैं और आज 5वें चरण के तहत लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 8 राज्य हैं जिनमें 2 केंद्र शासित भी प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 49 सीटों की अगर बात करें तो 40 सीटें एनडीए के खाते में रही है, इनमें से अब 49 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। पिछली बार की तरह क्या इस बार भी एनडीए वही प्रदर्शन दोहरा पाएगा ये देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर के बड़े दिग्गज है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां से अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से दाव आजमा रही है, तो वहीं रायबरेली पहुंच गए राहुल गांधी, वहां पर भी आज वोटिंग का सिलसिला बना रहेगा। हालांकि जो बीजेपी है वो लगातार कह रही है कि रायबरेली से भी राहुल गांधी हार कर जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही आपको बता दें साध्वी निरंजन ज्योति की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बेटे शिकाज शिंदे भी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं पीयूष गोयल की भी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। बिहार में सारण से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, तो हाजीपुर से चिराग पासवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई सहयोगी हमारे जो है ग्राउंड पर मौजूद है महाराष्ट्र में, उसके अलावा अमेठी में भी, जी अमेठी में भी हमारे सहयोगी राघवेंद्र हैं हमारे साथ, मीनाक्षी भी हैं। मीनाक्षी आपका रुख कर लेते हैं, मुंबई इस बार भी हॉट सीट है, पीयूष गोयल लड़ रहे हैं, श्रीकांत शिंदे लड़ रहे हैं, वहां से आप जहां पर हैं थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास, कोई खास बातचीत या फिर किसी से बातचीत हुई आपकी? का समय है वो अब से बस कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा, 7 बजे के बाद आप यहां पर देखेंगे कि लोग आना शुरू कर देंगे, लेकिन उसी के साथ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे यानी कि श्रीकांत शिंदे जो कि चुनावी मैदान में 3री बार है, 2 बार वो लगातार जीतते रहे और इस बार भी जीत के हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी रण में है। अब देखिए मतदान थोड़ी देर में शुरू होगा लेकिन यहां बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उनके बेटे श्रीकांत एकनाथ शिंदे लगभग 10 बजे आएंगे और यहां पर अपना पहला जो अपना वोट है वो कास्ट करेंगे और इसी के साथ जो खास तैयारियां हैं वो उस बूथ पर की गई है क्योंकि इसे नाम दिया गया है सखी मतदान केंद्र। इसी के साथ आप तैयारियां देख सकते हैं कि सामने किस तरीके से यहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसे भी यहां पर दर्शाया जाएगा और थोड़ी देर बाद ये 7 बजे से सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये खास तैयारियां की गई है यहां बेसमेंट में जहां पर यह वोटिंग होनी है वहां पर सखी मतदान केंद्र को दर्शाने के लिए बाकायदा इसे सजाया गया है और 13 सीटें हैं, 13 सीटों पर आज ये मतदान महाराष्ट्र में होने वाला है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 45 सीटें हम जीत करके फिर से एक 400 पार का जो नारा दिया है उसे सच करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश बदला है, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार किस तरीके से एनडीए गठबंधन यहां पर जीत दर्ज कर पाता है क्योंकि मनसे भी इस बार पहली बार ऐसा है कि एनडीए के साथ खड़ा हुआ है और बिना शर्त अपना समर्थन दिया है। मनसे को हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी वहां पर मौजूद थे और मंच पर उन्होंने किस तरीके से यहां पर अपना सहयोग दिया है।